हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10th इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए मीन का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 14 का स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हमने आपको पिछले सिखाया था कि हाउ टू कैलकुलेट द मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द मीन बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। तो लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखिए एग्जांपल लिखा मैंने, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, हमें क्लास इंटरवल है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 और ये इनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है हमें FI। हम इनका मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है आज का वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार एज्यूम्ड मीन मेथड का, कि क्या हम यूज करते हैं बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड में। एक्स बार जो होता है दैट इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। यहां पर जो कैपिटल ए है दिस इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन। ये मीन हम अपनी तरफ से एक सपोज कर लेते हैं, तो इसलिए इस मेथड को एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसके अंदर वो होता है टू कैलकुलेट द मिड वैल्यू या क्लास मार्क भी जिसको हम बोलते हैं, XI से डिनोट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपको पहले से पता है इन दोनों को लोअर वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल और अपर वैल्यू दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड। तो 0 + 100 डिवाइड बाय 250, अगेन 100 + 200, 300 डिवाइड बाय 250। और हमने आपको पहले ही बताया था कि जो गैप है क्लास इंटरवल का यहाँ पर 100 का है, वही सेम गैप मिड वैल्यू का भी आता है। 50 + 100 150, 150 + 100 250, 250 + 100 350, 350 + 100 450। ये मिड वैल्यूज आ गई। अब इन मिड वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू हमने सपोज करनी है एज कैपिटल ए, जिसको हम कहेंगे कि वो एज्यूम्ड मीन है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो बीच वाली वैल्यू होती है सेंटर वाली, इसको सपोज कर लेते हैं कैपिटल ए कि ये हमारा एज्यूम्ड मीन है, ठीक है। और फिर हम कैलकुलेट करेंगे DI क्या होता है, XI - A, यानी जो भी मिड वैल्यूज हैं ये XI की जो वैल्यूज आई है इन सब में से कैपिटल ए माइनस करेंगे। उसका फायदा क्या होगा कि जो हमारा क्लास इंटरवल है बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, तो कैलकुलेशन छोटी करने के लिए हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हैं। देखिए 50 है यहाँ पर XI, A 250 था, तो 50 - 250 लिखेंगे तो -200, फिर 150 - 250 लिखना है -100, 250 - 250 लिखेंगे 0 आ जाएगा, 350 - 250 लिखेंगे प्लस का 100 और 450 - 250 लिखेंगे तो प्लस का 200। सब में से हमने ये जो एज्यूम्ड मीन की वैल्यू थी ए माइनस कर दी, तो DI वाला कॉलम आ गया। अब हमने मल्टीप्लाई करना है FI और DI को, यानी फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम और जो DI वाला कॉलम है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। देखिए लिख रहे हैं 6 × (-200 -1200, 9 × (-100 -900, 15 × (0 0 हो जाएगा अगेन, 12 × (100 1200 और 8 × (200 1600, राइट। ये FI DI आ गया। अब इन सबको आप प्लस कर लेंगे तो समेशन FI DI निकलेगा। देखिए +1200 -1200 जीरो हो जाएंगे, ये पहले से जीरो है। 1600 -900 700 बच गए यहाँ पर। और ये फ्रीक्वेंसीज का भी हम टोटल करते हैं इस कॉलम का समेशन FI निकालने के लिए। ये देखिए 12 + 8 20, 9 + 6 15, +15 30, +20 50। ये हमारे पास 50 आ गया। ये वैल्यूज जो हैं, अब हमारा जो फॉर्मूला था मीन का, एज्यूम्ड मीन का, कैपिटल ए एज्यूम्ड मीन था, ये हमने 250 लेट किया था, तो यहाँ पर 250 लिखना है प्लस समेशन FI DI हमारा 700 आया है और समेशन FI 50, राइट। इसको सॉल्व कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड और इस मेथड से हमारा मीन निकल जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा 14, 5 × 70 होता है तो यहाँ आ जाएगा 14। तो X बार की जो वैल्यू आ गई 250 + 14 दैट इज 264। दिस इज मीन बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल बाय यूजिंग द एज्यूम्ड मीन मेथड, हाउ टू कैलकुलेट द मीन। इस बार जो हमने एग्जांपल कंसीडर किया है उसमें हमें मीन ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट में 24। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला एक क्वेश्चन हमने कंसीडर किया इस बार आपके लिए। देखिए ये क्लास इंटरवल दे रखे हैं, ये इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स F5 लिख सकते हैं आप इसको। और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं 15, 20, 35, ये एक फ्रीक्वेंसी जो है स्मॉल p से लिखी हुई है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। इस p की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, लास्ट फ्रीक्वेंसी है 10। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है मिड वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि xi। और मिड वैल्यूज आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो देखिए 0 + 10 डिवाइड बाय 2 यानी 10/2 5, फिर 10 + 20 30 डिवाइड बाय 2 15, और गैप आपको पता है 10-10 का है क्लास इंटरवल, तो मिड वैल्यू में भी 10-10 का गैप आएगा। 5 + 10 15 + 10 25 + 10 35 + 10 45। अब क्योंकि हम एज्यूम मीन यूज कर रहे हैं तो एज्यूम मीन हमें एक सपोज करना पड़ेगा मिड वैल्यू में से। तो मान लेते हैं ये जो बीच की एक वैल्यू है 25, इसको हम कैपिटल ए सपोज कर लेते हैं। तो हमने डी आई कैलकुलेट करना होता है एक्सआई माइनस ए, यानी जितनी भी मिड वैल्यूज हैं उन सब में से हमने एज्यूम मीन कैपिटल ए माइनस करके लिखना है। तो 5 - 25 - 20 15 - 25 -10 25 - 25 0 35 - 25 10 45 - 25 20। ये हमारे पास डी आई आ गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है एफ आई इंटू डी आई को, फ्रीक्वेंसीज को, और इस डी आई के कॉलम को मल्टीप्लाई करना। देखिए 15 × - 20 यानी कि -300 20 × - 10 -200 35 × 0 0 p × 10 10p, और अगेन 10 × 20 200। अब इनको प्लस कर लेते हैं सभी को। देखिए तो ये हमारे पास कॉलम आ जाएगा समेशन एफ आई डी आई का सम कितना होगा, +200 -200 कट गया, तो -300 +10p आएगा। ये -300 +10p, और फ्रीक्वेंसीज को भी प्लस करना आपने, तो फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर लेते हैं। तो समेशन एफ आई निकल आएगा यहाँ पर हमारे पास। तो ये होगा देखिए 10 + 20 30 और 50 80 + p। दिस इज समेशन एफ आई। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं फॉर्मूले में। देखिए एक्स बार कैपिटल ए जो एज्यूम मीन था ये हमारा 25 है, हमने सपोज किया था। समेशन एफ आई डी आई आया है -300 +10p, और डिवाइड बाय समेशन एफ आई आया है 80 +p, राइट। और एक्स बार जो भी वैल्यू है मीन की, इस बार हमें वो गिवन है स्टेटमेंट में, दैट इज 24। तो यहाँ एक्स बार के प्लेस पे मैं 24 लिख देता हूँ। देखिए तो ये 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, 24 - 25 इज इक्वल्स टू -300 +10p डिवाइडेड बाय 80 +p। p की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, -24 + 24 - 25 -1/1 -300 +10p डिवाइडेड बाय 80 +p, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको। तो देखिए क्या आएगा, -300 +10p इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई होकर दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगी, -80 -p। -p इधर ले आइए आप, प्लस का p हो जाएगा 10p +p, और -300 इधर आके प्लस का 300 -80, तो ये बचेगा 11p इज इक्वल्स टू 300 -80 कितना बचेगा 220। और देखिए p की वैल्यू क्या आएगी, p इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाय 11, कैंसिल हो जाएगा 11 की टेबल से, 11 × 2 = 22 और 0 एज इट इज। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ p मिसिंग फ्रीक्वेंसी 20 बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। देखा बच्चों आपने, ये था 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया आज, मीन बाय यूजिंग द एज्यूम मीन मेथड, जिसमें हमने आपको 2 एग्जाम्पल समझाए हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, क्लास 10th के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर भी करना है। वैदिक गुरुज आपसे बार-बार एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस आने वाले सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अभी YouTube से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, स्वस्थ रहें, खूब मन लगा के पढ़िए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।